लाना शुरू कर दिया डॉक्टर ब्रदर्स, ताकि इंशाल्लाह आस्था आस्था इनके खिलो दिमाग में ये बात बस जाए कि उनको इंशाल्लाह बड़े होकर डॉक्टर बनना है। और अब मैं दावत देती हूँ इस प्रोग्राम के महत्वपूर्ण आला को आफ्ताब साहब कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और तारीखी कारनामा पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام محمود شان صاحب اقبال احمد خان صاحب سلیم مغل صاحب مشتاق بھٹی صاحب انیس الرحمان صاحب شبیر عادل نفیس بھائی ओएस भाई, इधर हमारे दूसरे सर बैठे हुए हैं वसीम फारूकी साहब, तारिक जमील साहब भाई, अगर किसी का नाम रह जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत दबाव था कि मैं 3 बजे ये कर पाऊँगा या नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मैं कामयाब हो गया इसमें। एक दफ़ा मुझे जब खुशी हुई थी जब मैंने अपने वालिद साहब की किताब का रुनमाई कराई थी, और वो भी अल्लाह का करम है कि इसी सिला के बैनर के नीचे हुई, और आज वही किताब मैं बच्चों को देने जा रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। सिटीजन लाइब्रेरी लाइजर एसोसिएशन में तो काम 2015 में किया था, और उस वक्त हमारी सरपरस्त आला थी मोहतरमा फातमा सुरैया बजिया मोइन अख्तर। तो उस वक्त हमने जो काम शुरू किया था वो किया था लाइब्रेरीज के ऊपर, और लियाकत लाइब्रेरी में हमने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन उसके बाद हम फाल न रह सके। और ये अब जब दोबारा हमने सोचा कि हम लाइब्रेरीज के लिए काम करें, तो जहन में ये बात आई कि लाइब्रेरीज के लिए काम करने से पहले लाइब्रेरीज में आने वालों को कुतुबखाने में आने वालों का एहतमाम होना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ये काम अपने बच्चों पे करें, और जब से ये बात जहन में आई तो सोचा अब ये होगा कैसे। तो मैंने अपनी नवासी को एक कहा कि बेटा एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर ये ज़रूर हो कि किताब पढ़िए, किताब खरीदिए, किताब तोहफा दीजिए, और वो वीडियो बना के हमने वायरल की। आज उसी वीडियो के नतीजे में ये बच्चे सामने बैठे, और ये बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है मेरे पास 150 के करीब जो है वीडियोज आई इस सिलसिले में, और हम यानी इसमें कामयाब हो गए कि बच्चों को आज हम किताबें दे रहे हैं। अब इसके लिए मैं हमदर्द फाउंडेशन का बहुत मशहूर हूँ, अपना महमूद शाम साहब अपनी किताब लाए हैं, वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसके अलावा हमें जो है ये मेरी खाला थी मुनव्वरा नूनी, उनकी किताब है उसमें हंसना। जिस दिन उन्होंने कंप्लीट की 4 दिन के बाद कोमे मिल गई और अपनी दुनिया से चली गई। आज हम वो किताब भी अपने बुजुर्गों को पेश करेंगे। अल्लाह के बाबर का नाम पूरे किए उन्होंने, और वो किताब पेश करेंगे मेरी दूसरी खाला हैं उनकी छोटी बहन जकिया सिद्दीकी। तो मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम बच्चों को किताब की तरफ रागिब करें, किताब पढ़ने की तरफ रागिब करें। आज जब ये क्योंकि किताबों की सूरत हाल पढ़ने की, लेकिन आप यकीन जानिए मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैंने जब ये प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे खड़े होते चले गए
कि बस आज जो कुछ आप देख रहे हैं ये उन लोगों की मेहरबानी है, आप सब लोगों की मेहरबानी है, इन बच्चों की मेहरबानी है, इन मेहमानों की मेहरबानी है, क्या हम इसमें कामयाब हुए। कोई ऐसा हमें यानी वो नहीं है कि हम जो है इसमें कामयाब नहीं होंगे, और इंशाल्लाह अब ये कदम बढ़ चुका है, और इंशाल्लाह हम बच्चों को किताब की तरफ लाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इसमें मैं उन हज़रात का भी शुक्रिया अदा करूँगा, ये बज़ाहिर तो मैं अकेला सामने नज़र आ रहा था, लेकिन इसके पीछे तकरीबन 17-18 लोगों का हाथ है। ये अकेले काम नहीं हो सकता, ये टीम वर्क है। इसमें जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनमें हमदर्द फाउंडेशन के अलावा महमूद शाह साहब ने बहुत बड़ा साथ दिया है कि वो अपनी किताबें लेके आए हैं, और यकीन जानिए उससे एक हफ्ते पहले के मैं रेडियो पाकिस्तान गया था बच्चों के लिए किताबें लेके, तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि जिस तरीके से मैं किताबें खरीदने चाह रहा था वो मैं नहीं खरीद सका, लेकिन शाम साहब की किताब जो 5,000 इन्होंने छापी और ये बच्चों में मुफ्त तकसीम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है, बड़े अजीम इंसान हैं, और हमें मैं समझता हूँ ये अगर मैं मुबालगे से ना काम ले रहा हूँ तो हकीम सईद सानी महमूद शाह, तो इनका मुझे शुक्रिया, इकबाल अहमद खान साहब का शुक्रिया, मुश्ताक साहब का शुक्रिया, दूसरी तरफ हमारे बैठे हुए हैं वसीम फारूकी साहब, मंजूर शेख साहब, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है मेरे इस प्रोग्राम को करने में, फारूक अर्शी साहब यहाँ बैठे हुए हैं इनका बहुत शुक्रिया, एक साहब और यहाँ नहीं आए हैं जो सैयद असगर, वो उनका शुक्रिया, और मैं जो यहाँ के हमारे मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं अख्तर मीर साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें यानी जगह भी फराहम की और अपनी तमाम हर तरीके से दामे दरमे सुखने कदमे इन्होंने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं। बाकी अब आप मेहमान बैठे हैं हमारे सलीम मुगल साहब बैठे हैं और महमूद शाह साहब बैठे हैं, वो बताएंगे किताब के हवाले से, तरमीर साहब स्काउटिंग के हवाले से बताएंगे। हमने कोशिश ये की है कि हम इन बच्चों को जो है इस तरीके से वो करें कि ये इन बच्चों को हम लेके जाएं रेडियो पाकिस्तान, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान जाने के बाद जब मैं गया तो मुझे खुद थोड़ा सा डर लगने लगा था, तलफ़ ख़राब ना हो अदायगी में कोई ना हो, वो एक तरबियत होती है, और ये तरबियत अगर हमारे बच्चों को मिल गई तो बहुत अच्छा वो होगा, और उधर से जो लोग बच्चे आएंगे उनको हम स्काउटिंग की तरफ राबित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे मीर साहब बताएंगे आपको, और बाकी हमारे जो मेहमान हैं इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए और इन सबके लिए दुआ कीजिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ख़वातीन पे याद आया, बहुत अच्छी बात कही, कल मैं प्रोग्राम में गया था बहादुर यार जंग अकेडमी में, और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के ड्रामे के हवाले, बाबा ड्रामा हैं उनके हवाले से, तो वो थे मुनव्वर सईद साहब ने कहा हजरात, तो उन्होंने उस कहा कि मैंने ख्वातीन को नहीं कहा, ख्वातीन चौकी हैं, और यही इस वक्त उन्होंने हमारे ओएस भाई ने याद दिलाया, तो उन्होंने उसकी मिसाल ये दी कि हम हज़रत आयशा को भी हज़रत आयशा कहते हैं, हज़रत उमर अबू बकर को भी हज़रत उमर को भी हज़रत के साथ पुकारते, तो हम ये जो हम कहते हैं ख़वातीन और हज़रात ये गलत कहते हैं, बल्कि ख़वातीन भी और जितने हज़रात भी हैं वो हज़रात ही हैं, तो अच्छा हुआ आपने बहुत अच्छा, हमारे साथी थे माँ जमीन जो कि हम उनको पढ़नी थी लेकिन वो किसी वजह से थोड़े से लेट हो गए, तो अब हम उनको बुलाते हैं कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर सके। माँ जमीन के बारे में आपको ये बताती चलूँ
कि ये बच्चों की दुनिया में आते हैं और ये नाबीना हैं, लेकिन इनके हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे अंदाज में कलाम पढ़ते हैं। Gracias.